तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शेखर बोरा है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी में, जिसका नाम है टीएनएस इंटरनेशनल। साथ ही साथ आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसका नाम है इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। हालांकि जैसे आपको मैंने बताया, मेरा नाम शेखर बोरा है और मुझे बहुत प्राउड होता है आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल और एक एजुकेशन जो सिस्टम है, जिसका जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, उसके साथ मैं मिलके काम कर रहा हूं, जिसका नाम आईडीनेट सिस्टम है। और हालांकि आज इस इंडस्ट्री में 8 साल कंप्लीट हो गए, बट इस 8 साल की जर्नी में मैं देखता हूं कि हम इससे पहले, इस इंडस्ट्री से पहले जीरो थे। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, हमने बीकॉम किया, हमने स्कूलिंग की 12 साल, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3 साल, फिर मास्टर्स की 2 साल। तो मतलब ओवरऑल मैं देखता हूं कि अपनी लाइफ में हमने ऑलरेडी 17-18 साल हमने पढ़ाई की, बट मैं ये भी देखता हूं कि उन 17-18 साल की पढ़ाई में हमें कभी जिंदगी में ये नहीं सिखाया गया कि पैसे कैसे कमाते हैं, हमें ये नहीं सिखाया गया सक्सेसफुल कैसे बना जा सकता है, हमें ये नहीं सिखाया गया कि ड्रीम्स पूरे कैसे करे जा सकते हैं, हमें ये नहीं सिखाया कि आप जिंदगी में इंस्पिरेशन लोगों के लिए कैसे बन सकते हैं, आपको एक बड़ा मुकाम कैसे हासिल हो सकता है। ये वो सारी चीजें शायद मैं कहता हूं अपने जो हमारे एजुकेशन करियर था उसमें हमने नहीं सीखा। आज मुझे प्राउड होता है कि मुझे एक सिस्टम मिला सबसे पहले, क्योंकि आज अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं एंड बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे स्कूल है, आप सोचिए लोग परेशान हो जाते हैं कौन सा स्कूल बढ़िया है, कौन से स्कूल में जाए, कौन से स्कूल में एडमिशन ले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, और सबसे बड़ी चीज है स्कूल के अंदर हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग और वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर है, जिनका नाम है मिस्टर पालबी बसनायक। आप सोचिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। मैं अगर मैं सिस्टम की बात करूं कि क्यों हम लोगों को बोलते हैं कि आप सिस्टम की एजुकेशन में कनेक्ट करो, उसके फायदे क्या हैं, सबसे पहली चीज ये दूसरों का फायदा नहीं, सबसे पहले ये आपका फायदा है। क्योंकि जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस दिन आपने टीएंस में ज्वाइन किया, आपको बोला गया था यू आर योर ओन बॉस, आप यहाँ पे आप खुद के बॉस हैं, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। बात तो ये आती है कि आज इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद दुनिया नौकरी ढूंढती है, वहां पे वो बॉस नहीं बन पाती, वहां नौकरी ढूंढती है। यहाँ पे आप बॉस हैं, बट क्या बॉस वाली एजुकेशन हम ले रहे हैं, जिससे कि लोग हमें बोले कि हाँ सर यू आर द बॉस। आप सोचिए। और ये एजुकेशन क्यों, क्योंकि ये एजुकेशन इसलिए सबसे पहले माइंडसेट के लिए। आज हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो हम घबराते थे, हमें बड़ा डर लगता था, हमें अप्रोच करने में बड़ी दिक्कत होती थी कि लोगों को हम कैसे समझाएं, लोगों को हम कैसे बताएं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी चीजें पहले दिमाग में चल जाती थी लोगों से मिलने से पहले। और ये चीजें बोलते हैं हम माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेचर होना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव नेचर सिर्फ लोगों के आंख के सामने रहने से नहीं होगा, पॉजिटिव नेचर आपको वो इंटरनल है, कहते हैं ना कि लोग मिले और लोगों को लगे कि यार इससे ज्यादा पॉजिटिव इंसान नहीं देखा है। आप सोचिए, यानी कि आप यहां से करेक्ट एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन आप मार्केट में जाते हैं, आप वहां से नेगेटिव हो जाते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, तो अभी आप समझना सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एजुकेशन को प्रॉपर नहीं ले रहे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक करेक्ट माइंडसेट, जब आप यहाँ पे आते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं कि आज इस इंडस्ट्री में आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है, जैसे आज एक हाउसवाइफ होके वनीता राजी हिमाचल पहाड़ों में रह के उन्होंने अपना नाम बनाया। जब आप उनको देखते हैं, आप उनको सुनते हैं, आपके अंदर की वाइब्रेशन जागती है, ये मोटिवेशन, ये माइंडसेट खड़ा करता है कि जब वनीता राज जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
जब आप देखते हैं वासुदेव जी अपने पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका माइंडसेट और चेंज होता है कि आने वाले टाइम में हम अकेले नहीं होंगे, हमारा परिवार भी इस बिजनेस को करेगा। ऐसे ही जब आप योगराज जी को देखते हैं, आप सोचिए कि पहाड़ों से निकला हुआ शख्स, आप सोचिए बीपीएल फैमिली को बिलोंग करने वाले, आप सोचिए कि उन्होंने थोड़ी सोचा था, बट उन्होंने सोच रखी थी कुछ करना है, कि जब वो कर सकते हैं तो दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है। आप सोचिए कि ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत शानदार हस्तियां हैं, जिनकी बातों को, जिनको देख के, जिनको सुन के आपका माइंडसेट बनेगा कि ये बिजनेस सिर्फ 1 साल का या 2 साल का नहीं है, ये जिंदगी भर का बिजनेस है। और ये बिजनेस क्या होगा कि आज शायद हो सकता है परिस्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप यहां काम करेंगे परिस्थितियां अच्छी होंगी, और जब अच्छी होंगी तो आपका परिवार आपके साथ होगा इन्हीं परिस्थितियों में, अच्छी परिस्थितियों में। आप सोचिए, तो ये बिजनेस का माइंडसेट करने का है। क्योंकि होता क्या है अक्सर कि लोग आते हैं, लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम भी कोशिश कर रहे थे, हर एक इंसान, हर एक सक्सेसफुल लीडर जो है वो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग पहले दिन से वो कोशिश कर रहा था, वो जोर लगा रहा था, उसको पता थोड़ी था कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उसने कोशिश की, उसने हार नहीं मानी, उसके माइंडसेट में क्लियर था कि अब तो नैया पार लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। जब भी जिंदगी में ऑप्शन होता है ना कि आराम करें या मेहनत करें, आप 100 लोगों से पूछना एक सर्वे में ना कि भाई साहब आराम करना पसंद है या मेहनत करना पसंद है, मैं बताऊं 99% लोग क्या सेलेक्ट करेंगे कि आराम करना बढ़िया है, फिर तो सब मिलेगा, दोनों में इक्वल सब सारी चीजें हैं, लेकिन पसंद क्या है? आप सोचिए क्यों? क्योंकि आराम करना है, कंफर्ट में रहना है। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा था कि हम भी जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमने शुरुआत की, हम शुरुआत में हमारे पास चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको बताऊं ये कुदरती, जब हम आए थे तो हमारे पास सिस्टम आईडीनेट था, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं थी कि हम इसको, क्योंकि हमारे पास, हमें एक चीज का बड़ा वो लगता है कि बहुत शायद हम लकी थे कि आज जहां हम रह रहे हैं पाल सर भी वही है, जिसकी वजह से हमने जो एजुकेशन थी हमारी पहले दिन से चालू थी, हम डेली लेते थे, डेली सुनते थे, डेली समझते थे, लेकिन कुदरती कहते ना टाइम ऐसा बदला कि आज आप सभी के पास वो अपॉर्चुनिटी है, आज सभी के पास वो डेली का वो एसेंस है कि डेली रात को आप उनको सुन सकते हो, आप उनको देख सकते हो, आप उनको बातें कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे टाइम में देखा है कि लोग याद करते थे कि कब पाल सर आएंगे, आप सोचिए कब पाल सर आएंगे, कब मीटिंग होगी, कब हम उनको सुनेंगे, कब हम एजुकेशन लेंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज कुदरती जिस तरीके से आज हमारे पास डिवाइसेस हैं, टाइम बदला है, टाइम के साथ हमारे पास रिसोर्सेज आए हैं, आज जिसका नाम, एक रिसोर्स का नाम है जूम, आप सोचिए जिसने बहुतों की जिंदगी को बदला है। आज यहाँ पे हमारे पैनल में मैं देखता हूँ अलग अलग स्टेट से, चाहे वो गुजरात रीजन है, चाहे वो हरियाणा रीजन है, चाहे वो हिमाचल रीजन है, चाहे वो राजस्थान रीजन है, एवरी रीजन से कोई ना कोई लोग यहाँ पे बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं। और आपकी खुश नसीबी, हमारी खुश नसीबी इसी में है कि आज हम यहाँ पे बैठे बैठे हम वो एजुकेशन को ले रहे हैं। क्योंकि अगर ये जूम ना होता, क्योंकि हमें याद है कि पहले हम स्टार्टिंग में लोगों के घर ना जाएं तो लोगों की एंट्री नहीं आती थी, हम लोगों को नेगेटिव कब हो जाए पता नहीं चलता था, क्योंकि ये ऐसा होता था कि कोई आप गए पता चला 4 लोगों से मिले, चारों लोगों से आपको रिजल्ट नहीं मिले, लोग नेगेटिव हो जाते थे और हमें पता नहीं चलता था कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, जाने के लिए उसके पास जाना पड़ता था, उसको समझाना पड़ता था भाई ऐसा है, हमें लगता था उसको डेली एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें फिजिकली हर एक शख्स के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज हम खुश नसीब है कि हमारे पास ये सिस्टम है। अगर आपने इस सिस्टम में लोगों को ऐसे बिठा दिया जैसे आप अपने बच्चों को चाहते हो, आपके बच्चे आपके स्कूल में जाएं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाए, हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, क्लास में जाए, डेली एजुकेशन ले, पढ़े लिखे, अच्छे मार्क्स लाए, आप सोचिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी,
लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पे भी वही काम है कि अगर आप अपने स्कूल में नहीं आ रहे, आप अपनी क्लास में नहीं आ रहे, आप अपना एजुकेशन नहीं ले रहे, तो अच्छे मार्क्स कहां से आएंगे? और अच्छे मार्क्स का मतलब है अच्छे रिजल्ट्स, और अच्छे रिजल्ट्स का मतलब क्या है आप सोचिए, सक्सेस। जो चीजों के, जिस कारणों की वजह से आप इस कंपनी में आए, कैसे मिलेंगे कि जब आप यहां आए ही नहीं? और मैं बता रहा हूं, ये मन की बात है, किसी बच्चे का मन नहीं करता है, क्योंकि हमें भी याद है स्कूल जाने का मन किसका करता है? किसी का नहीं करता है। लेकिन माँ बाप भेजते हैं कि जाओ पढ़ो, कुछ करोगे जिंदगी में। तो सेम एज इट इज ये एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे एजुकेशन थी, यहाँ पे जिंदगी बदलने की एजुकेशन है। और ये अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम जो जूम की जो आंख थी, आज हर घर में, हर हाथ में मोबाइल फोन है, आज मौका है सबके पास, क्योंकि जिंदगी हर कोई बदलना चाहता है, सब चाहते हैं कुछ ना कुछ जीवन में पाना, बट उनको रास्ता नहीं पता। और मैं बताऊं, ये पावर है जूम की और आईडीनेट सिस्टम की, जो हर घर तक पहुंच चुका है, हर घर तक वो जा रहा है। डेली बहुत सारे लोग इस एजुकेशन को अपना रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, और जिनमें से हम हैं। और मैं आपको बताता हूं, जब आप यहाँ पे आते हैं, जब आप जूम में आते हैं, क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज होती है माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके आप पॉजिटिव रहना सीखेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको मोटिवेशन के लिए किसी और को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने बगल वालों को नहीं देख रहे होंगे, अपने राइट लेफ्ट कहीं नहीं देख रहे होंगे, आपको सिर्फ यहीं आना पड़ेगा। आप ऊपर नहीं देख रहे होंगे अपलाइन को, ना डाउनलाइन को देख रहे होंगे, आप सिर्फ सिस्टम में आके अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। अपने माइंडसेट को बदलने का मतलब और ज्यादा स्ट्रांग करना। आपको लगता है मैं पॉजिटिव हूं, मैं कहता हूं अभी और ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कहते हैं ऊंची उड़ान लेनी है। सेम एज इट इज, जितने पर कहते हैं ना बड़े होंगे उतना ऊंचा आप उड़ेंगे, तो सेम एज इट इज है कि पॉजिटिव में भी और ज्यादा पॉजिटिव होना जरूरी है। तो वो माइंडसेट कहां से बनेगा? सिस्टम में आके, जूम में आके। दूसरी चीज, यहाँ पे आप डेवलप करते हो अपने स्किल्स, यहाँ पे आके। आज मैं अपने आप को देखता हूं कि आज जो बातें हम कर रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, और इवेंचुअली बहुत सारे लीडर्स पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, आज हम सुनते हैं उनको, तो हमें पता है कि हर एक लीडर में चेंज आया है, हर एक इंसान में चेंज आया है, चाहे वो थोड़ा बोड़ा है या फिर ज्यादा है, लेकिन बदलाव जरूर आया है। और ये स्किल कब आती है? जब आप चीजों को एक्सेप्ट करके आप उनको फॉलो करते, और ये डेवलप की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही इतने अच्छे थे या पहले से ही हमें बातें करनी आती थी, कुछ नहीं, ये सब हुआ सिर्फ बार बार उन शब्दों को सुनने से, बार बार उन बातों को सुनने से। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम भूल जाते हैं। आप सोचिए ना, मैं तो बता रहा हूं ना, आपने 7 दिन पहले क्या खाना खाया है ना, याद कर लेना, इतनी जल्दी भूलते हैं हम। मतलब 7 दिन पहले हमने रात को क्या खाया था ना, हमें वो याद नहीं होगा। तो आप सोचिए ना कि 7 दिन पहले जो एजुकेशन हमें दी गई, हम वो कैसे याद रख लेंगे? लेकिन याद तभी रहता है जब आप डेली होते हैं, क्योंकि डेली बातें होती हैं। और मैं कहता हूं डेली हो सकता है सेम बातें होती हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार सुनते हैं ना, तो आपके वो माइंडसेट, वो आपके माइंड में चला जाता है, बैक ऑफ द माइंड चले जाता है, और वो आसानी से आप सीखते हैं। जैसे कि आज के बच्चे, आप सोचिए ना, हम देखते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश, कहते हैं हमें नहीं आती, लेकिन बच्चे इंग्लिश सॉन्ग गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं भाई? आपने सिखाया था क्या ABCD? आपने सिखाया था कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? वो गाने सुन रहे थे, डेली सुनते थे उसी गाने को, रिपीट मोड पे, रिपीट मोड पे, रिपीट मोड पे आ गया। आप खुद सोचिए, आप अपनी लाइफ में क्या आपको सारे गाने याद है? नहीं याद। कौन से गाने याद है? जो आपको पसंद है, जिन गानों को आपने बहुत बार सुना है, सिर्फ वही गाने याद है। तो सेम एज इट इज, यहाँ पे भी जो बातें हो रही हैं, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा रिपीट होंगी, और अच्छा है सेहत के लिए, तभी सीखेंगे कि यार ये सर ने तो वो वाली बात बोली थी। और मैं बताऊँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि सर ने उस दिन क्या बातें बोली, आपको याद होगा कि आज मुझे ये वाली बातें बोलनी है। और मैं बताऊँ, लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि 19 साल के लड़के के पास एजुकेशन नहीं थी इतनी, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो वो डेली डेली एक ही बात सुनता था ना, एक ही स्टोरी सुनता था, वो बोल देता था। जब बोलता था तो लोगों को लगता था बड़ा कमाल का लड़का है, भाई साहब बड़ा एक्सपीरियंस है। अब कौन बताए कि एक ही स्टोरी मैं तो 10 बार ही सुन ली है, बस उसका ट्रायल दे रहा हूं, स्किल निकाल रहा हूं। तो यही चीजें आपको करनी है, यहां से आपके स्किल्स डेवलप होंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्या
कि कहते सर हम तो जोड़ लेते हैं, लोग जुड़ते नहीं है, हैं हम तो जोड़ लेते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या हम जोड़ ही नहीं पाते। तो उनके लिए तो स्किल जरूरी है, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स आ गए और ये डेवलप्ड हो जाती हैं तो मैं कह रहा हूं काम हो जाएगा। तीसरी चीज हमारा आता है मोमेंटम। लोग कहते हैं कि सर हम तो जोड़ते हैं, लेकिन लोग नहीं जोड़ पाते आगे। लोग इसलिए नहीं जोड़ पाते, आप तो हो सकता है एजुकेशन ले रहे हो, आप तो हो सकता है कि फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्या आपके लोग उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपने लोगों को कोशिश कर रहे हो यहां लाने की? या फिर हो जाता है कि एक टेक्स्ट मैसेज क्या हो गया, आएगा तो आएगा, नहीं तो जयराम जी की। बहुत लोग करते हैं कि भैया हम तो आगे हैं, अपनी अटेंडेंस पूरी है, कोई आए ना आए। मैं बता रहा हूं, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और अगर आपका नेटवर्क वीक है, आपका नेटवर्क एजुकेशन नहीं ले रहा, तो आप नेटवर्किंग से बाहर हो जाएंगे। तो नेटवर्किंग करने के लिए आपको तो करना ही है, बट क्या आपका नेटवर्क भी उस चीज को फॉलो कर रहा है? क्या आपके नेटवर्क में जो लोग हैं क्या वो इस एजुकेशन को उतना ही ले रहे हैं जितना आप ले रहे हैं? और मैं बताऊं, सीरियस होना पड़ेगा। मजाक लोगे तो मजाक बन जाओगे, सीरियस लोगे मैं बता रहा हूं इतिहास रच दोगे, बस एक ही चीज। तो यही है कि यहाँ पे आप जब आते हैं तो यहाँ पे आप सीखते हैं कि लोग कैसे सिखा रहे हैं, कैसे आप अपनी टीम को बना के रख सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है जब आप यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लीडर को सुनते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि आप बॉस बन गए, बॉस तो है लेकिन लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर ऐसा सिर्फ वर्ड से नहीं बना जा सकता, लीडर तभी बना जा सकता है जब आप लीडर की बात सुनो, जब आप लीडर को फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पे हर एक मोटिवेशन स्पीकर मैं बोलूं या अचीवर है, आप सोचिए वो लीडर है, क्यों है? क्योंकि उसने लीडरशिप क्वालिटी डाली जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल हुए। तो जितने लोग आते हैं उनके पास वो क्वालिटीज हैं, आप सोचिए वो क्वालिटीज आप में आ जाए ना, तो मैं बोल रहा हूं आप बढ़िया हो जाओगे। होगा नहीं होगा, आप खुद से सोचिए कि जैसी वनिता राजी है अगर ऐसी मैं बन जाऊं कैसा होगा, आप सोचो। कल से आप में भी वो सारी चीजें आ जाएं, वही सारी एनर्जी आ जाए, मजा आएगा नहीं आएगा? बड़ा मजा आएगा। कहते ये वासुदेव जी है भाई साहब, हमारा परिवार भी ऐसा हो जाए, हम भी वासुदेव जी जैसे हो जाए, मजा आएगा नहीं आएगा? आप सोचिए। बहुत लोग कहते हैं भाई साहब हम शेखर बोरा बनेंगे, मैं कहता हूं मजा तो हमें भी आएगा। तो ये चीजें कहां से होंगी जब आप यहाँ पे आएंगे? तो सेम एज इट इज है कि अभी इस सिस्टम में आके जूम की ये पावर है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई और नहीं बना सकता, ये जूम कर सकता है, और ये सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम कर सकता है। आज इस एजुकेशन में रह के मैं लोगों को बताता हूं कि हमने एक साल में फॉरेन ट्रिप किया, लोगों को मजाक लगता है, लोग कहते हैं यार एक साल में कैसे कर लिया, और कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं कर लिया होगा सर आपके पास तो पावर है, आज आप बोल पाते हैं, आपकी बातें अच्छी हैं। मैंने कहा अगर एक जब जुड़ा था ना मैं उन दिनों में, अगर एक साल में मिलते ना तो समझ आ जाती कि हाँ भाई बात तो सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो डेवलप्ड हो चुके हैं। आज ये जो शेखर है ये वो वाला नहीं है, ये 8 साल की एजुकेशन लेके बना है, ये चीजें आपको लेनी पड़ेंगी अगर ऐसा बनना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्शंस, एक्शन एक ही चीज है कि हम सिस्टम में कितने लोगों को हम डेवलप कर पा रहे, हम सिस्टम में कितने लोगों को लेके आ रहे। और मैं आपको बताऊं आज हमारे पास आईडी नेट सिस्टम है, और ये सिस्टम की अगर बेसिक्स में जाएं, आज जो हमारे मिंटोर है मिस्टर पालवी बसनाया जी, आप सोचिए उनका ऑलरेडी मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं कहता हूं हार्डली मुश्किल से इनमें से लोग होंगे जो शायद इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से ज्यादा होंगे, कोई 10 साल होगा, कोई 12 साल होगा, कोई 2 साल होगा, कोई 4 साल होगा, कोई 6 साल होगा, सिर्फ इतना ही होगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो 8 9 साल होने 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं अभी कुछ टाइम में। तो हमें पता है कि आज वो अपना उस ज्ञान को वो हमें दे रहे हैं जो उनका ऑलरेडी 20 सालों से उन्होंने इस इंडस्ट्री में सीखा है, एक्सपीरियंस किया है। और कहते हैं सिस्टम खुद का वर्ड है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर आप चाहते हैं अपनी एनर्जी बचाना, अपना टाइम बचाना, आप सोचिए, तो वो ये पॉसिबल तभी है जब आप उन गलतियों को ना करें। आप सोचिए जो आपके लीडर कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो गाइडेंस दी जाती है, जो आपको बताया जाता है, जो हर एक लीडर आपको समझा रहा है
कि आप गलती से वो गलती मत करना जो हमने की थी, जिसकी वजह से आज हम थोड़े लेट हो गए। हो सकता था हम फास्ट हो सकते थे। आज जिस तरीके से आज साल बदल रहे हैं, उस तरीके से टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो गई है। आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप, ये सारी चीजें नहीं थी, फेसबुक इतना एडवांस नहीं था, मोबाइल इतने एडवांस नहीं थे, आज है पॉसिबल। पहले लोग मैसेज कन्वे करने के लिए एक दूसरे के घर पे जाना पड़ता था, टेलीग्राम करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी तब के टाइम में, लेकिन आज वो चीजें नहीं है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक, मैं कहता हूं, बहुत जबरदस्त चीजें हमारे पास है। बस ये है कि हमें उनको यूज करना सीखना है, कि कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं, कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से बात अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं और नहीं सिखाई जाएंगी, ये सिर्फ सिखाई जाती हैं एक एजुकेशन, एक स्कूल के अंदर। और स्कूल में जिनका प्रिंसिपल मैं बोलता हूँ, हमारे पास जो है वो है हमारे मेंटोर मिस्टर पाल भी बसना है। तो मैं इतना ही बोलता हूं कि अपने आप से क्वेश्चन करना है। अगर आपको लगता है मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते, तो पहला क्वेश्चन अपने आप से उठाना है, क्या मैं डेली जूम को सुन के क्या उनकी बातें मैं कहीं लिखता हूं, कहीं मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, जैसे स्कूल में होता था ना। क्यों मैं स्कूल की बातें कर रहा हूं? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है, हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग से। जैसे स्कूल में जब मैडम पढ़ाती थी ना, तो हम लिखते थे और घर जाके याद करते थे, क्योंकि 1 साल बाद क्या होता था, पेपर होता था, भैया पास हो या फेल हो, कि 1 साल में जो पढ़ाई की, अगर फेल होगे तो उसी क्लास को प्रॉपर करना पड़ेगा, पास होगे तो आपकी एडवांस क्लास है कि आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाएगा। सेम यहाँ पे भी वो ये होता क्या है कि यहाँ पे फेल होने के चांसेस जीरो हैं, यहाँ पे कोई फेल नहीं करेगा, यहाँ कोई पास नहीं करेगा। बस एक ही चीज है कि पिछले 1 साल में हमने ऐसा क्या सीखा। आज आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, देखो मैं नए लोगों को नहीं बोलता जिनको अभी हार्डली 2 महीने 6 महीने हुए, बट मैं साल वाले के ऊपर क्वेश्चन है कि आज अगर आप लोग नहीं जोड़ पाते, तो प्रॉब्लम आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कि आज हमारे पास इतनी सारी एजुकेशन है उन चीजों पे कि लोगों को जोड़ते कैसे हैं। ये एजुकेशन यहाँ दे रहे हैं, आईडी नेट सिस्टम दे रहा है, और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। क्या हमने कोशिश की उनको सुनने के लिए? क्या हमने सुनने का जोर लगाया कि हम सुन तो लें, कि अगर हम जोड़ नहीं पा रहे तो क्यों नहीं जोड़ पा रहे? अगर हम टीम नहीं बना पा रहे तो क्यों नहीं बना पा रहे? अगर हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? ये सबका आंसर ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, बट क्या हम उसको सुनने के लिए जाते हैं कभी? या फिर हम सिर्फ अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं कि 365 दिन के 365 दिन का रिवॉर्ड लेंगे, अवार्ड लेंगे? मैं बता रहा हूं, कुछ अवार्ड से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आके इस एजुकेशन में जब आपको खुद फील आएगा कि हाँ हमने लोगों को जोड़ा है, लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, और आप यहाँ पे बहुत अच्छी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, आप समझना आप पास हो जाएंगे। और मैं इतना ही बोलता हूं कि यहाँ पे ये सिस्टम सबके लिए, आज नेटवर्क मार्केटिंग में आटीएंस के अंदर कोई भी हिस्सा ले सकता है जो 18 साल से ऊपर है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। आप कितने एजुकेटेड हैं, आप कितनी पढ़ाई की है, कौन सा कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, आप क्या हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, सब अलाउड है यहाँ पे। सिर्फ एक ही चीज है जो मेन है, सिस्टम एक ही है, आईडी नेट सिस्टम एक ही है, कंपनी एक ही है जिसका नाम है टीएंस। सिर्फ आके सीखना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे, क्योंकि पहले दिन से बॉस का मतलब मास्टर होता है, तो पहले दिन से मास्टर नहीं समझना। पहले दिन जब आप आ गए 6 महीने साल, तो ये समझना है अभी तो हम स्टूडेंट वाले बॉस है, कि बॉस बनना कैसे है ये हमें सीखना है, लीडर बनना कैसे है वो हमें यहाँ पे सीखना है। और हर लीडर जो भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं इस पैनल में, ये एक इंडिया में मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट पैनल है, जिसमें हमारे पास हमारे एक स्टार गोल्ड लॉयन है मिस्टर वासुदेव बगौर जो राजस्थान से हैं। इसके अलावा हमारे पास गोल्ड लॉयंस की बहुत सारी बौछार है, जिसमें आपका आपको मैंने अभी बताया वनीता राज जी, आप सोचिए वन ऑफ द फास्टेस्ट गोल्ड लॉयन इन इंडिया, आप सोचिए हिमाचल प्रदेश से। ऐसे हमारे पास वन मोर हिमाचल प्रदेश से, उनकी ही अपलाइन, नन अदर हमारे योगराज शर्मा जी,
ऐसे ही हमारे पास दिल्ली से, आप सोचिए अमरीश कुमार पांचाल जी, आप सोचिए बहुत सारा एक्सपीरियंस आप उनको देखेंगे डेली फील्ड में, आप सोचिए ऐसा गोल्ड लॉयन वो फील्ड में मिलते, आप सोचिए यहाँ तो बहुत सारे 6 स्टार हैं, 7 स्टार, आप सोचिए आप शायद रात को आप अपना बढ़िया करके सो रहे हैं, आप सोचिए वो मौज लेने के बाद भी वो मेहनत कर रहे हैं, आप सोचिए ऐसे ही गुजरात से, आप सोचो हमारे पास है सोनल पटेल, आप सोचिए ऐसे ही पूर्वा बोगरा जी, आप सोचिए गुजरात से गोल्ड लॉयन, तीन तीन फीमेल गोल्ड लॉयन हमारे पास है, आप सोचिए ऐसे ही और भी हमारे गोल्ड लॉयन जैसे कि राजेश सोम जी मेरठ से, आप सोचो अपने प्रोफेशन को पूरा चेंज करने के बाद नेटवर्किंग को बहुत ज्यादा सीरियस कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सोने हैं और हर सोने के पास खुद का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे शेयर होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी बातें होती है, और ये जो उनका 8 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस, वो कभी 1 घंटे में नहीं बताया जा सकता, आप सोचिए क्योंकि एक मूवी को बनने में भी सालों लगते हैं, वो मूवी साल वाली मूवी सिर्फ 2 घंटे में दिखाई जाती है, और 2 घंटे में अगर आप मूवी को देखते हो और कोई आपसे पूछे भैया मूवी में क्या देखा था, तो आप कितनी देर में बताते हो, गिनती की 5 लाइनें बोलते हो कि भाई साहब हीरो ने ये किया था, विलेन ने ये किया था, हीरोइन ने ये किया था, हो गया खत्म, आप सोचिए आप डायरेक्टर से पूछना वो तो आंसू में आंसू निकल जाएंगे उसके, भाई साहब मैंने तो इतने करियर के इतने टाइम लगा दिया, मैंने साल में मूवी बनाई, इन्होंने 5 लाइन में खत्म कर दी, आप सोचो, तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे जब आपकी टीम आती है हर दिन हर एक लीडर कुछ नई बातों के साथ आता है, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ आता है, और मैं कहता हूं अगर वो पुरानी बात भी कर रहा है ना तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको याद रिविजन हो रहा है, तो मैं तो यही बोलता हूं कि हर ज्ञान जरूरी है, जितना मिले उतना कम है, बस अपने अंदर ये रहना चाहिए कि हमें लेना है, तो आप जूम का यूज कीजिए, आज जूम आप सोचिए घर पे बैठ के आज मैं और आप बात कर पा रहे, आज हो सकता है कि मैं हर स्टेट में नहीं जा पाता तो मैं वहां नहीं आ सकता, लेकिन आज यहाँ पे रह के आप मुझे सुन पा रहे, ये है जूम की पावर, आज आप सोचिए हमारा हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि आज हम पाल सर को डेली सुन पाते हैं, मैक्सिमम टाइम हम उनका टाइम ले पाते हैं, क्योंकि 20 साल की नॉलेज अभी तो कुछ चंद टाइम है जो उनसे हम ले पा रहे हैं, हर दिन हम सीखते हैं सेम एज इट इज, बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस स्टेज पे आ गए तो सीखना बंद, नहीं अभी तो बहुत अपर लेवल की नॉलेज अलग है, अभी तो बेसिक्स, यहाँ पे जो बात होती है मैं देखता हूँ बेसिक नॉलेज है जो शायद हर एक इंसान को वैसे ही सीखनी चाहिए, तो ये पावर है सिस्टम की जिसने हमारी हमारे अंदर बदलाव किया, आज मैं देखता हूं कि जो शेखर पहले था जैसे वो बातें करता था जो तरीका था उसका वो सारा बदल चुका है, और आज जब वो बातें करता है जो चीज समझाता है और जिस तरीके से कमांड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये मैं नहीं मैं लोगों से सुनता हूं, तो मेरे को याद है कि हाँ आज मैं पहले से कईयों गुना बेटर हो चुका हूं, और अभी मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है बेटर हुआ हूं, अभी बेस्ट बनना बाकी है, और बेस्ट मुझे पता है कि टाइम आएगा कि इंडिया के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर में घुसना है, टॉप पे जाना है, तभी नाम होगा, तो अभी तो बहुत सारा ज्ञान लेना है और हम उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इतना ही बोलता हूँ जूम में आइए, नेवर मिस जूम का प्रोग्राम, क्योंकि अगर आप जूम पे आ रहे हैं बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, साथ ही साथ वही ज्ञान कोशिश कीजिए अपनी टीम को पहुंचाने की, और इवेंचुअली मैं बोलता हूँ अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलिए अरे आप आके जूम में तो बैठिए, देखिए तो सही हम किस जगह काम कर रहे हैं, चाहे वो जुड़े या नहीं जुड़े जूम में बिठा दो, क्या पता कब कौन सी बातें क्लिक कर जाए, कहते हैं ना कभी कभार सिर्फ पसंद आने से ही लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है वो इसलिए नहीं लेते लेकिन लोग पसंद आ जाते हैं इसलिए लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यही चीजें हैं कि यहाँ पे आप कोशिश कीजिए अपने आप को जूम में रखने की, टीम को जूम में रखने की, ताकि वो कम टाइम में ज्यादा नॉलेज लेके एक अच्छी ग्रोथ ले सके, तो बिल्कुल है आज का जो टाइम मुझे मिला होपफुली मैंने उस टाइम को कंज्यूम किया, और मैं इतना बोलता हूँ कि आई फील वेरी प्राउड कि आज जूम पैनल में मुझे मौका मिलता है अपनी चीजों को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का, और अगर मैं बात करूं कि आज बहुत सारा ज्ञान हम यहाँ से लेते हैं और वही चीजें हम उन्हीं चीजों को कहते हैं ना कि एब्सॉर्ब करने के बाद उन्हीं चीजों को कैसे हमें बताना है तो वो भी हम यहीं से सीखते हैं, तो आई रियली थैंकफुल टू आईडी नेट सिस्टम, आई रियली थैंकफुल टू जूम,
टीएंस, जिसकी वजह से आज हमारा लाइफ बदला है, लाइफ स्टाइल बदला है, सोचने का एक विचार जो होता है ना वो भी बदल चुका है बिकॉज ऑफ जूम। तो इतना ही मैं बोलता हूं कि जूम में आ जाइए, बहुत कुछ करना बाकी है। एंड आई रियली थैंकफुल टू पाल सर, जिन्होंने एक वंडरफुल सिस्टम क्रिएट किया है जो कि आज इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम में से एक है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो आज हजारों लोग सिर्फ सोच रहे होते कि काम को कैसे करें, लेकिन सिर्फ इस सिस्टम से, क्योंकि इस सिस्टम में इतनी सारी वीडियोस हैं कि लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं यहाँ से, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज है, चाहे वो टीम बनाने की नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज लोग यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ये जो जूम है ना, इसने उस टाइम पे काम किया, आप सोचिए, जब लोगों ने जीने की सोच को छोड़ दिया था। ऐसा पेंडेमिक टाइम था जो आप सभी ने, हम सभी ने मिलके उस पेंडेमिक टाइम को गुजारा है, जिसको हम कोरोना काल कहते हैं। और उस कोरोना काल में शायद हमें निकलना मुश्किल हो गया था, हमें समझना मुश्किल हो गया था, हमें लगता नहीं था कि हम कैसे लोगों के घर तक जाएं, कैसे लोगों को मिलके समझाएं, बट हमारे पास एक उम्मीद की किरण आई जिसको हम जूम बोलते हैं। आप सोचिए, जूम ने उस टाइम में ऐसा तहलका मचाया जबरदस्त, जिसकी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग और भी ज्यादा बूमिंग पीरियड में है, चाहे वो कोई भी है। तो यही चीजें हैं कि आज आपके पास बैठे बैठे मौका है, या आज यहाँ बैठे बैठे आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया से बाहर भी आप काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जूम। तो बिल्कुल है कि आज जूम की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है, साथ ही साथ आज इस जूम में जो आईडीनेट सिस्टम का जो एजुकेशन रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लीडर्स जनरेट हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग, मैं कहता हूँ स्टेट के, अलग अलग कंट्रियों के लोग भी यहाँ पे आते हैं, कनेक्ट होते हैं। आप सोचिए, तो रियल में आई रियली थैंकफुल टू पाल सर, जिन्होंने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल सिस्टम क्रिएट किया। और विद मैं बोलता हूँ कि उनके जो एजुकेशन है वो बहुत सॉलिड है, और उन्हीं चीजों को हमने ग्रैब करके बहुत सारी चीजें अपनाई हैं और सीखी हैं। तो रियल में थैंक यू करूंगा पाल सर का, आईडीनेट सिस्टम का, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली। आई थैंक्स टू टीएंस, जिसकी वजह से लाइफ चेंज हो चुकी है, एक रास्ता मिल चुका है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि कहते हैं ना, मेहनत तो करना चाहते हैं बस रास्ता नहीं होता, तो मैं कहता हूँ टीएंस वो रास्ता है। अगर आप मेहनती हैं, मंजिल पे पहुंच जाओगे, कामयाबी आपके हाथ में होगी, मैं इतना बोलता हूँ। तो रियल में सर थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट में सिर्फ अपने मैजिकल वर्ड्स, मैं कहता हूँ इसको तो सुबह 3 बार बोलना चाहिए और रात को सोने से भी पहले 3 बार बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जपोगे उतना सच होता जाएगा। तो रियल में मैं अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको क्लोज करूंगा। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, आई लव टीएंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, आई एम गोइंग, आर यू, लेट्स गो थाईलैंड टुगेदर। थैंक यू सो मच।